उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में आम आदमी पार्टी ने नगर निकायों के चुनावों की तैयारियों के मद्देनजर कमर कस ली है। इसी के चलते नगर डिवाई के यूनिट पब्लिक स्कूल में आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष शैलेंद्र लोधी ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक आयोजित कर आगामी नगर पालिका परिषद के चुनावों के लिए अभी से तैयारी शुरू करने के लिए अपील की। जिलाध्यक्ष शैलेंद्र लोधी ने बताया कि नगर पालिका चुनाव के दौरान हमें ईमानदार और साफ सुथरी छवि के प्रत्याशी का चुनाव करना है, जिससे कि आपके नगर का चहुओर विकास हो। कहीं ऐसा ना हो कि आप चुनावों के दौरान जातिवाद में बटकर ना रह जाएं। शैलेंद्र लोधी ने कहा कि आम आदमी पार्टी जो कहती है वही काम करने में विश्वास भी रखती है। इसी के लिए आम आदमी पार्टी नगर डिवाइस से ऐसे प्रत्याशी को मैदान में उतारेगी जिसकी साफ सुथरी छवि के बारे में आप भली भांति जानते हों। आम आदमी पार्टी के डिवाई विधानसभा अध्यक्ष शिवम लोधी ने बैठक में आए सभी कार्यकर्ताओं का पट्टिका पहनाकर स्वागत किया। आज हम डिवाई विधानसभा में नगर पालिका चुनाव को लेकर तैयारी को लेकर कार्यकर्ताओं के बीच में हैं। आज हमने उनसे संवाद किया है, साथ ही जो हमारे साथी हैं, आज हम लोगों को 10 लोगों ने चुनाव लड़ने के लिए आवेदन किया है। तो आम आदमी पार्टी पूरे प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में भी लगातार कई राज्यों में चुनाव की तैयारी कर रही है और लोगों की पहली पसंद बनी हुई है। इसी परिप्रेक्ष्य में जैसा कि नगर पालिका की जो दुर्दशा है, जिले की जो हालत है, डिवाई भी उससे अलग नहीं है, तो उन सब बातों को लेकर आज हमने चर्चा की है और लोगों में बहुत उत्साह है। पार्टी कार्यकर्ताओं में लेकर भी चुनाव को लेकर भी बहुत ज़्यादा उत्सुकता है। दूसरा उद्देश्य आज मेरे यहाँ आने का ये है कि हम लोग आज रात्रि को यहाँ प्रवास भी करेंगे और इस प्रवास के दौरान जो नगर पालिका के जो पीड़ित पक्ष हैं या साथी लोग हैं, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को लोग हम लोग इकट्ठा करेंगे और इकट्ठा करने के बाद उन प्रॉब्लम्स को समाधान करने का भी हम लोग एक मुहिम अभियान चला रहे हैं। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।